आलिया भट्ट की वजह से क्या संजय लीला भंसाली को भुगतना पड़ा बड़ा नुकसान। अजय देवगन ने मदद कर दिया बड़ा दिलासा। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में आलिया भट्ट तो लीड रोल में नजर आने ही वाली है। उनके साथ अजय देवगन का भी गेस्ट अपीयरेंस फैंस को देखने को मिलेगा। सोर्सेज के मुताबिक अजय देवगन का एक दिन का शूट रह गया था जब कोरोना के केस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब टीवी 9 के रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद संजय लीला भंसाली का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, क्योंकि आलिया का एक दिन का ही शूट रह गया था और वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गई। इस फिल्म में आलिया के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस सीमा पावा भी कोरोना की चपेट में आ गई है। वेल, ऐसे मुश्किल समय में संजय लीला भंसाली की मदद के लिए सामने आए अजय देवगन। जी हाँ, नुकसान से बचाने के लिए अजय देवगन ने इस फिल्म में अपना रोल बढ़ा दिया है। अजय देवगन ने अब गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग खत्म कर ली है। संजय लीला भंसाली और अजय देवगन ने साथ में फिल्म हम दिल दे चुके सनम में काम किया था। तब से दोनों का बॉन्ड और बेहतर होता जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो अजय के गंगूबाई काठियावाड़ी में अपना किरदार बढ़ाने से संजय लीला भंसाली बहुत खुश है। आलिया भट्ट हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हुई है, जिसके बाद वो घर पर ही क्वारंटीन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। संजय लीला भंसाली जल्द ही गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग खत्म करने की अनाउंसमेंट करने की प्लानिंग कर रहे थे, मगर आलिया कोरोना पॉजिटिव हो गई है। सिर्फ एक दिन की शूटिंग रह गई थी। आलिया का एक दिन का शूट पूरा करने का मतलब है 160 क्रू मेंबर्स को एक साथ लेकर आना। लेकिन अब अजय देवगन ने संजय लीला भंसाली की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अजय देवगन के स्क्रीन टाइमिंग बढ़ाने से फैंस भी खुश होंगे। फिलहाल अब इंतजार है तो आलिया के ठीक होने का और इस फिल्म के रिलीज होने का। आप हमें बताएं इस वीडियो पर आपकी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।